हेलो दोस्तों, मूवी रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम बात करेंगे वैनगार्ड मूवी के बारे में। दोस्तों, ये एक चाइनीज मूवी है और अगर आप जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हैं। गाइज, जैकी चैन का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैंने बचपन से उसकी सभी टाइप की मार्शल आर्ट्स मूवी देखी है। एंड मैंने जब इस मूवी का ट्रेलर देखा, मैंने देखा है जैकी चैन है पक्का, इसमें तो स्टंट धांसू वाले होने ही चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं है। एंड जैकी चैन नो डाउट अब उनकी उम्र होती जा रही है, तो डेफिनेटली बात है उस लेवल के एक्शन में तो वो आपको नहीं दिखने वाले हैं। इस वैनगार्ड मूवी के बारे में बात करूं तो वैनगार्ड नाम की एक संस्था है जो कि लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। एक तरीके से ये प्राइवेट एजेंसी मान के चाहिए कि प्राइवेट एजेंसी, और आपने कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अपने लिए प्राइवेट एजेंट्स हायर कर लिए जो आपको सुरक्षित एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। यहीं पे एक बंदा होता है जिसकी बेटी का किडनैप हो जाता है, या फिर जिसकी कह लो कि जिसके बेटी के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, और अब वैनगार्ड वालों का काम है उस लड़की को बचाना, साथ में उसके पिता को भी बचाना। तो बस यही पूरी मूवी की मेन कहानी है। तो गाइज, इस मूवी में जैसे एक्शन की मैं उम्मीद कर रहा था, जाहिर सी बात है अब जैकी चैन की उम्र हो चुकी है तो उस लेवल का एक्शन तो हम नहीं देख सकते, एंड और देख नहीं सकते क्या यार, देखने को मिलेगा ही नहीं। और पहले के ज़माने में तो है जैकी चैन खुद ही अपने सारे एक्शन करते थे तो पूरा ओरिजिनल वाली फील आती थी। वो अलग बात है कि वहाँ पे फिर स्टंटमैन के जान माल को भी बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। एंड नो डाउट ये चीज़ तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि जैकी चैन ने न जाने कितनी बार अपनी हड्डियाँ तुड़वाई है एक्शन सीन्स को करते हुए, जो कि हमें मूवी के एंड में दिखाया भी जाता था। तो अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है तो कोई जानबूझ करके इस तरह का जोखिम क्यों उठाए। बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हो और आपको यहाँ पे बहुत ही धांसू स्टंट देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ निराशा लगने वाला ही है। हाँ, वैनगार्ड एक अच्छी मूवी है, मतलब कि ठीक है यार, मैं ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा वैसा कुछ वाओ वाला मोमेंट नहीं था, एक्शन मूवी है, बट जिस तरीके का एक्शन की उम्मीद मैं कर रहा था वैसा एक्शन मुझे इस मूवी में देखने को नहीं मिला। तो गाइस, अब आप ही इस मूवी को देखने के बाद डिसाइड करिए ये मूवी आपको कैसी लगी, और अगर आप इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। अपने पर्सनल व्यूज नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।